नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हमारे नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। बिंदु गुप्ता चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं माता रानी से ही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्या मैं खाना बनाई हूँ और सुबह से मैंने क्या क्या काम किया है, आप लोग देखिएगा। और क्या आप लोग को मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो बताइए हमें कमेंट करके, कहाँ हम गलत या कर रहे हैं या सही है तो उसे बताइएगा ज़रूर। कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा, आप लोग बताते नहीं हैं तो थोड़ा हमारा भी मन नहीं करता बनाने का। आप लोग बताइएगा तभी ना हम समझेंगे कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही। मैंने लिया है धनिया है और ये जीरा मिर्च है और ये मिर्च है और इसे मैं भूनूंगी। बैंगन का भरता मैं कैसे बनाते हैं आज आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसे अभी हम भूनेंगे। और ये है लहसुन की कली, इसे भी भूनना है। इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा भून लिया निकल चुका है धनिया मिर्च इसमें और जीरा पड़ा था जो, और अभी इस वक्त लहसुन जा रहा है। देखिए मम्मी स्पीक। देखिए बैगन में काट रहे हैं, ऐसे काट लूँगी। देखिए इसमें कीड़ा ना हो, देख लीजिएगा आराम से। देखिए ऐसे ही मैं काट के तैयार, एक में निकल गया है, वहाँ पे रखा है। देखिए इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, इसे मैं अलग रखता हूँ। सब बढ़िया बढ़िया बैगन थे, बस एक निकल चुका है। तो देखिए दोस्तों ये भून चुका है और ये आज गधा स्कूल नहीं गया है, घर में बैठा हुआ है, मेरे साथ ब्लॉग बना रहा है। देखिए दोस्तों आज मेरा शोल्डर दर्द कर रहा था इसलिए मैं नहीं गया था स्कूल। बहाना है इसका नहीं दोस्तों। देखिए अब हम इसे पीस के तैयार करेंगे, उसके बाद हम आगे दिखाते हैं आपको। गर्म है ना। देखिए दोस्तों खटाई पड़ रहा है, यहाँ पे एक चम्मच खटाई डला चुका है, दो चम्मच, डेढ़ चम्मच। मम्मी आप बताइए। अमचूर पाउडर है डेढ़ चम्मच के करीब में और ये हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे नमक। कितना चम्मच, एक चम्मच स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार देखिए मतलब डेढ़ टेबल स्पून। और ये देखिए लेमन हम इसमें डालेंगे, लेमन का तो कारोबार ही है। देखिए इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप लोग भी बना के देखिएगा। हम थोड़ा और डाल दो तो स्वाद नहीं आता है। दो लेमन हम डाल चुके हैं इसमें। देखिए इसको हम बैगन भर के मेरी मम्मी दिखाएंगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला बन चुका है, रेडी हो गया, मसाला रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों आप लोग देख
देख सकते हैं यहाँ पे तेल डाल चुका है और ये तेल फॉर्ची नहीं, रिफाइंड नहीं, कोई भी नहीं, सरसों का तेल है सलोनी और इसी से ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, ना कि फॉर्चून से। क्या लाजवाब लग रहा है, मैं और जूम करके दिखा देता हूँ। बहुत टेस्टी लग रहा है। अब ये जब पूरे एकदम बन जाएंगे तब मैं आपसे मिलूँगा, अभी के लिए बाय बाय। और मम्मी आपसे कुछ टिप्स करना चाहती हैं, फ्राई होगा। देखिए दोस्तों ये बन चुका है मेरा भरता। देखिए ये मसाले हैं, ये बन चुका है मेरा भरता। आज भी बना के खाइएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में।